भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। एक तरह से मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी इसको कह सकते हैं। हमारे साथ इस पर खास तौर पर बात करने के लिए केंद्र सरकार में मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं, जो खुद जवानों के साथ दिवाली मनाने अरुणाचल बॉर्डर पर गए। चीनी पीएलए सोल्जर्स से भी उनका इंटरेक्शन हुआ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा मैंने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? 4.5 साल का वक्त बीता सर गलवान हादसे के बाद से, आखिरकार स्टेटस को आंटे तेम चौक और देपसांग दोनों जगह हम स्टैब्लिश कर पाए? वो तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, हमारा बॉर्डर सेफ होना चाहिए, 1 इंच हमारा जमीन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकना चाहिए, इस तरह का पॉलिसी रहा है। इसलिए 2014 से ही बॉर्डर के लिए जितना काम किए हैं मोदी जी ने, वो आज दिख रहा है। आज हर एक बॉर्डर पॉइंट्स पे हमारा सड़क बन चुके हैं, मोबाइल टेलीफोन फैसिलिटीज और पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, सारे चीज़ जो व्यवस्था हुई है उसके वजह से हमारे जवान भी खुश है, हौसला भी बुलंद है। और हर एक दिवाली में प्रधानमंत्री जी हमारे जवानों के साथ बॉर्डर एरिया में जाकर के मिलते हैं और साथ में दिवाली मनाते हैं। उसी प्रकार से हमने भी अपने बॉर्डर एरिया में गई और हमारे जवानों के साथ में हमने दिवाली मनाया है। साथ में बॉर्डर में चीनी सिपाहियों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ थोड़ा समय, और एक अच्छा माहौल मैं कह सकता हूँ कि चीन और भारत के बॉर्डर इलाकों में एक अच्छा वातावरण पैदा किया है। ये एक रिजोल्व प्रधानमंत्री जी का मैं कह सकता हूँ, जिसके वजह से आज हमारा बॉर्डर स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं और हमारे जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स है वो बिल्कुल सुरक्षित है। सर, हमने देखा आपका जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं कि चाइनीज पीएलए सोल्जर्स भी उस पर खड़े हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और आपने कहा कि पॉजिटिव माहौल दिखा कुछ। सर, वाकई एटीट्यूड में परिवर्तन भी है क्या? क्या आपको लगता है कि वहां से भी ये मैसेज क्लियर है कि अब इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रिलेशंस ठीक रखने हैं, सकारात्मक रखने हैं? पहले के मुकाबले में बॉर्डर एरिया में काफी माहौल में सुधार हुआ है। पहले भी मैं बॉर्डर जाते थे तो काफी तनाव माहौल था, तनावपूर्ण था, और थोड़ा हमारा सिपाहियों का भी मैंने देखा है कि वो भी बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव होना पड़ता था, क्योंकि चीनी सिपाहियों का जैसे उनका जो रवैया है उसको देखते हुए हमारे लोग भी काफ़ी सतर्क होते हैं। अभी भी सतर्क है, लेकिन माहौल में काफ़ी सुधार हुआ है। और जैसे मैं चाइनीज आर्मी वालों से बात किया तो उसमें भी लगा कि उनके और में भी शायद इंस्ट्रक्शन ऊपर से आया होगा, माहौल अच्छा था। सर, ये अचीव करना, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, आप मोदी गवर्नमेंट में सर सीनियर मिनिस्टर हैं, इसको अचीव कैसे किया गया सर? बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि चाइना पे आपको लगता है सर क्या अभी भरोसा किया जा सकता है? उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो हम सब जानते हैं। सवाल भरोसा का नहीं है, सवाल शांति कायम करने का है। पड़ोसी राज्यों के साथ हम अगर शांति कायम करके बॉर्डर एरिया को सुरक्षित रख सकते हैं तो ये देश का हित में होता है। इसलिए चाइना बॉर्डर बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर है, तो वहाँ एक प्रकार से शांति का माहौल पैदा करना ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। मैं अपना प्रदेश में काफ़ी सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, मैं जब विपक्ष में थे तो हमारा बॉर्डर एरिया में हम खुद पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें होते थे और चाइना प्रोटेस्ट भी कर देता था जब आप लोग। अब माहौल काफ़ी बदला है और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत क्लियर है कि बॉर्डर को लेकर के हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, हमारे ज़मीन को लेकर के हम समझौता नहीं कर सकते हैं। जो हमारा ज़मीन है वो पहले के सरकारों ने ढील दे के रखा हुआ था, अब पूरा पुख्ता व्यवस्था है और हम अननेसेसरी किसी और के ऊपर में दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में भी दूसरा का दबाव काम नहीं आएगा, ये मोदी जी ने साबित किया है। जो आपके प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार इस दरमियान ये आरोप लगाती रही कि कॉम्प्रोमाइज किया, चाइना ने हमारा जमीन हड़प लिया और मोदी सरकार ने उतना स्ट्रांगली इसको टेकअप नहीं किया, ये आरोप लगातार वो लगाते रहे। नहीं, सवाल आरोप का नहीं है,
सवाल नियत का है। कांग्रेस ने पॉलिसी बनाया था कि बॉर्डर एरिया में सड़कें नहीं बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस का विचित्र पॉलिसी था कि बॉर्डर एरिया में डेवलप नहीं करना है और उसी से हमारा देश का बॉर्डर सुरक्षित रहेगा। ये सोच से तो देश नहीं चल सकता है। लेकिन सर, जो इस गालवान के बाद जो स्थिति बनी थी उसको लेकर के कांग्रेस बार बार आप लोगों पर हमलावर थी, अब आपने इसको रिजॉल्व कर लिया है, आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए? कांग्रेस को तो बॉर्डर एरिया के बारे में बात करने का कोई अधिकार तो है नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो एक तरीके से सरेंडर कर दिया था और बॉर्डर इलाकों में कोई फैसिलिटी नहीं देना चाहिए, ये कांग्रेस का नीति था। कांग्रेस का पॉलिसी जो है बहुत विचित्र पॉलिसी है कि बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाने से उसी सड़क को चीन इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना था जिसको मोदी जी ने बदल दिया है। अब हमारा बॉर्डर एरिया जो है वो सुरक्षित भी है, विकसित भी हो रहे हैं। हमारे बॉर्डर इलाकों में जितने गांव हैं वो आज पहला गांव बन गया, मोदी जी ने डिक्लेयर किया है कि ये सब हमारे बॉर्डर के जितने गांव हैं वो पहला गांव हो गया। कांग्रेस के समय में ये सबको आखिरी गांव बोलते थे, अब माहौल बदल चुके हैं। सर, जो आगे के कॉन्टोर्स हैं आपको लगता है कि वो इजीली डिसाइड हो जाएंगे? भारत और चीन के बीच में जो दूसरे रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते वगैरह, वो दोबारा से पटरी पर आएंगे? वो तो विषय तो जब आप देखेंगे कि जब शांति होगा तो बाकी चीजें भी आगे बढ़ेगी। एक सर मैं आपसे राजनीतिक सवाल भी करना चाहता हूं। अभी हमने देखा दो रोज पहले कैसे कर्नाटक में एक वीडियो सामने आया, खड़गे साहब डीके शिवकुमार को एक नीति को लेकर के जो उन्होंने अनाउंस की थी उस पर कुछ सुना रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बड़ा तीखा हमला किया कांग्रेस अध्यक्ष पर, उसके पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी तमाम सवाल खड़े किए गए। मैंने देखा था कि आपने भी प्रधानमंत्री के उस बयान को खुद पोस्ट करके कांग्रेस से जवाब तलब किया था। कांग्रेस का तो देश हित में कोई पॉलिसी होते नहीं है, कांग्रेस का तो सिर्फ वोट बैंक नीति होते हैं और इलेक्शन भी उसके लिए सिर्फ वोट प्राप्त करना है और सत्ता में आना है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में तो इसलिए आते हैं कि देश सेवा करने के लिए है। सत्ता का भूख हमारे पास नहीं है, हमको देश सेवा करने का भूख है। इसलिए मोदी जी ने इस देश को जिस तरीके से 10 सालों में एक नई ऊंचाई पर ले गए, आज विश्व में भारत का स्थान बहुत ऊंचा बन गया है। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी में तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने तो देश को लगभग तबाही कर दिया था और लोगों को गरीब बना के रखा, देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी ने। अब देश का माहौल बदल चुके हैं। हरियाणा के जिस तरह से नतीजा आया सर, उसके बाद कर्नाटक का वो वीडियो जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए थे, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पलटवार किया कि जो वायदे आप लोगों ने किए थे, जो गारंटीज प्रधानमंत्री ने दिए थे, उनमें से ये वायदे पूरे नहीं किए गए, ये वायदे पूरे नहीं किए गए। आपको लगता है कि जनता को कन्विंस कर पाएंगे वो लोग? कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उनके लिए कोई नीति नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ वोट सब कुछ होता है। इसलिए वो कांग्रेस कुछ वादा करते हैं तो उसका विश्वास कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 60 साल देख चुके हैं ना। उन्होंने गरीबी हटाने का, गरीबों के लिए काम करने का वादा बार बार किया, लेकिन हर घर पानी तो मोदी जी पहुंचा रहे हैं, हर घर बिजली, चूल्हा, गैस पहुंचाना, गांव में सड़कें बनाना, बड़ा बड़ा हाईवेज बनाना, रेलवे लाइन, मेट्रो, जितना काम जो आज जिस स्पीड में चल रहे हैं उसका कंपेयर में तो कांग्रेस ने क्या किया है। तो कांग्रेस का जो भी उनका मैनिफेस्टो या चुनाव वादा होता है, उन वादों पर कांग्रेस तो उतरा नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फिर भी प्रधानमंत्री पर सीधे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब के बारे में मुझे बात करने का इच्छा भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग तो एक परिवार को सब कुछ मानते हैं। वो सोचते हैं कि देश उनका जागीर है और कांग्रेस पार्टी कैसे देश के लिए काम करेंगे, उनके लिए परिवार देश से ऊपर है, हमारे लिए देश सब कुछ होते हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी नेहरू परिवार ही सब कुछ है, उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखते, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सर, बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि एज आई टॉक टू यू, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि दोनों तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, एक तरफ महायुति, आप लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है क्या इस तरह? नहीं, चुनाव तो बहुत साफ है, मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, कोई इधर उधर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। महाराष्ट्र में मैं खुद गया हूँ। आप खुद गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वहां तो हमारे जो
एससी एसटी कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उन लोगों को कांग्रेस ने गुमराह करने का कोशिश किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, अब सबका बंडा फोड़ हो गया। कांग्रेस का झूठा सबके सामने में खुल गया है। अब पूरे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, संविधान का बात नारा लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने बेइज्जत किया, अपमान किया, और आज बाबा साहब के नाम पे वो नाटक कर रहे हैं। तो बाबा अम्बेडकर जी का और अपने संविधान के बारे में मोदी जी ने जो किया है उसका बराबर कोई किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं आज तक। आपको लगता है संविधान की बात उठा के, बाबा साहब अम्बेडकर की बात उठा करके बार बार राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं जो जगह जगह वो संविधान की? राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेंगे आप बताइए? जो जो साल में वो 75% विदेशों में रहते हैं और 25% यहाँ बैठ करके नाटक करते हैं, उनको समझ ही नहीं है। 53-54 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, अभी भी समझ नहीं है देश के बारे में, उनको पता ही नहीं है। अभी बोल रहे ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, खाना बनाने वाला, जूता सिलाने वाला कैसे जीते, अभी पता चला उसको। वो कैसे, उसको देश के बारे में जानकारी ही नहीं है उनको। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि ये कैसा इस तरीके से अपने आप को नेता पेश किया कांग्रेस वालों ने, जिसका देश के बारे में ज्ञान नहीं है, वो देश के बारे में क्या सोचेंगे? सर पार्लियामेंट का सेशन है, आपको नहीं लगता इन विवादों में बहुत हंगामे? इसलिए तो नहीं, कोई विवाद नहीं, हम लोग तो अपना काम करेंगे, पार्लियामेंट चलना है नियम के हिसाब से चलेंगे। कोई यहाँ राजकुमार कोई परिवार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए देश है, देश के लिए पार्लियामेंट चलेंगे, संविधान के हिसाब से देश चलेंगे, पार्लियामेंट चलेंगे। किसी का कोई परिवार का दबदबाव से ये देश नहीं चलेगा। वो दिन चले गए हैं कि एक परिवार सब कुछ है कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे लिए कोई परिवार मायने नहीं रखता, हमारे लिए देश सब कुछ है। महाराष्ट्र और झारखंड में कैसे नतीजे? अच्छा नतीजा होगा महाराष्ट्र और झारखंड में, तो मैंने जो जाके देखा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से जनता बीजेपी और सहयोगियों को समर्थन देने वाले हैं दोनों जगह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब, जिनका कहना है कि इस बार उनको पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, पूर्ण बहुमत के साथ जनता समर्थन देगी और दोनों ही जगह पर एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरा निर्माण के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.